हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगर एडुकेशन। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने जीमेल में जो कि है सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, कोई नाम को ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी का नाम वगैरह मेंशन कर सकते हैं, लोगो मेंशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सारा कुछ कवर होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे। उससे पहले, अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रोम का पेज ओपन कर लिया है गूगल का, और इस पे मैं सिंपली यहाँ पे जीमेल पे जाऊँगा और मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर मेरे पास आएगा फ्रेंड। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो आप सेटिंग का आइकन बना होगा, आप उसमें क्लिक करोगे तो सॉरी फ्रेंड, तो आप यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करोगे तो सेटिंग फिर से आपको लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे, आप उसको सिंपली क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब करना क्या फ्रेंड, यहाँ पे हमें ढूंढना है सिग्नेचर वाला ऑप्शन जहाँ पे हम सारा कुछ मेंशन करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड यहाँ पे दिख गया हमें सिग्नेचर का ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट न्यू, क्योंकि यहाँ इससे पहले कोई है नहीं सिग्नेचर यहाँ पे डाला हुआ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और सिंपली सिग्नेचर लिख देता हूँ, मुझे ये चीज़ याद रहे इसलिए, और क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो भी कंपनी है आपकी, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसका आप नाम डाल दो। मैं यहाँ फिलहाल अपना यूट्यूब चैनल का नाम डाल देता हूँ, फिर फ्रेंड मैं अपना नाम डालता हूँ, फिर डेजिग्नेशन डालता हूँ, देन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे लोग आपके पास कांटेक्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लूँगा और इसको हल्का बोल्ड करके इटैलिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड, अगर आपको कोई नाम कलर वगैरह चेंज करना है नाम पे, तो आप वो भी कर सकते हो आसानी से, ब्लैक रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, वाट एवर जो आप को लगता है सही है। तो मोस्टली लोग ब्लू रखते हैं और मुझे भी पसंद है, तो मैं ब्लू रखता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। अब यहाँ स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और सेव चेंज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ आपकी सेटिंग चेंज हो रही है बिल्कुल। अब यहाँ पे कंपोज में जाएंगे और ये देखो बॉक्स खुल गया मैसेज का। अब यहाँ पे देखना इंसर्ट सिग्नेचर का ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पे हम जो सिग्नेचर पे डाल रखे थे वहाँ, इसलिए हम सिग्नेचर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा सिग्नेचर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे अब पता है कि टू में किसका नाम डालते हैं, सब्जेक्ट वगैरह जो भी रहेगा आपका वो आप मेंशन सकते हो। अब दूसरी बारी आती है लोगो की, हम यहाँ पे लोगो कैसे मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट है इंसर्ट फोटो का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो और जहाँ भी आपने लोगो रखा है अपने लैपटॉप में, वहाँ उस लोकेशन पे जाओगे आप। तो मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, तो मैं डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप ओपन कर लिया और अपने लोगो को सिलेक्ट करके देन ओपन कर दिया। तो ये फ्रेंड्स अपलोडिंग हो रहा है, ये अपलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसका साइज मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, जो कि मेरे फ़ॉन्ट के हिसाब से मैच करे, और यहाँ पे जो स्पेस वगैरह है ये हटा दो आप। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो अपने लोगो को जरूरत के हिसाब से। तो इस तरह से फ्रेंड अपना लोगो, नाम, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और भी कुछ अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डाल सकते हो। तो इससे जब भी आप किसी को मेल करते हो, सीनियर पर्सन को, स्टाफ को, या फिर किसी को भी, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, सामने सामने वाला जान पाता है कि आपके पास अच्छी खासी मेल की स्किल है। तो बेनिफिट इसे ये होगा कि जब कभी भी उनको मौका मिलेगा कि नहीं, अगर किन्हीं को प्रमोट करना है तो नीचे से किन को ऊपर लाया जाए, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे, ताकि उनका भी काम आपके से आसान हो सके। जैसी बात है, अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो
उसका बेनिफिट सबको मिलता है। तो ये चीज़ें ऐड करो ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। और आई थिंक वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।